क्या हो गया यार, कब तक अपने उस नाकाम आशिक के सोग में यूं आंसू बहाती रहूं? शक्ल उसकी देखने वाली थी जब उसे ये पता चला कि तुम मिसेस वहाज हो। मिसेस वहाज, शुक्र अदा करो सलवा कि वो अब तक जिंदा है, अपने पैरों पे खड़ा है। वरना जो कुछ उसने मेरी बहन के साथ किया था, मैं चाहता तो वो कब का मर चुका होता। अरे फिक्र मत करो, मैं अब उसे कुछ नहीं कहूंगा। मुझे अच्छा लग रहा है तुम यहां रो रही हो, वो वहां रो रहा होगा। इट्स एक्चुअली गुड। एक काम करो, आज रो लो तुम, जितना रोना है रो लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। हेलो माय सन, कैसा लगा सरप्राइज? अरे आ गया मेरा बेटा अलमीर। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ, आप लोग कब आए? हम तो शाम को आ गए थे, तुम्हें फोन कर रहे थे, तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे और तुम्हारी माँ परेशान हो रही थी। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए, बस नहीं चल रहा था कि उड़कर आ जाऊं यहाँ। तुम ठीक तो हो ना? आलिया मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे से बातें करो। पापा डिनर तो कर ले साथ। अरे डिनर तो हमने प्लेन में कर लिया था, और तो मैं पता है ना टाइम डिफरेंस का, थोड़ी सी जरा थकन भी हो रही है, रेस्ट कराऊंगा ना, फिर आराम से बातें करेंगे। हाँ तो ठीक है, फिर आप भी रेस्ट करें मम्मा, आप भी थक गई होंगी ना। मेरी तो सारी थकन तुम्हें देखते ही दूर हो गई। अरे इसका तो बस नहीं चलता था कि ये उड़ के यहाँ पर आ जाए, हर वक्त तुम्हारी बातें करती रहती थी, याद करती रहती थी। माँ हूँ इसकी, और जिन हालात में इसे छोड़कर गई थी कैसे चैन आता मुझे। लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ और अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करके ही जाऊंगी। अब मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी अभी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है। See you, बेटा। कितने कमजोर हो गए हो, ख्याल ही रखते अपना, तुम्हारे लिए खाना लगवा।
कौन था वो? वो मैं उसी से मिलवाना चाह रही थी मैं आपको। मैंने पूछा कौन था वो लड़का? अलमीर, अलमीर नाम है उसका। तुम कैसे जानती हो उसे? यूनि में हम साथ पढ़ते हैं। तो फिर तो सलवा भी जानती होगी उसे। बोलो, जवाब दो, सलवा जानती है उसे? जब आपको सब कुछ मालूम है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? सलवा और अलमीर का क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है उन दोनों का, बताओ। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सलवा अलमीर की बीवी थी, अब सलवा का अलमीर से कोई ताल्लुक नहीं है, अलमीर सिर्फ मेरा है। हाँ, चुप हो जाओ। तुम इतनी बेगैरत निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये वही सच है जो मुझसे अब तक छुपाया जा रहा था? तुम्हारी सलवा से नफरत की यही वजह थी? क्या हुआ आज सुबह, जल्दी उठ गई आप? या फिर सारी रात सो ही नहीं आप? तबीयत ठीक है आपकी? मेडिसिन ली है आपने? होने तो खराब। अम्मा, क्या हो गया है आपको? इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? बल्कि मुझे मर जाने दो। खासतक कैसी बातें कर रही हैं? मैं इसी वजह से आपको कुछ नहीं बता रहा। अब देख लिया ना आपने, ले ली ना टेंशन। तुम क्या सोच रहे थे कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? देखा ना कैसे सच चल के खुद मेरे सामने आ गया। लेकिन अभी भी मुझे आधा सच पता है। आगे क्या कुछ होने वाला है मैं कुछ नहीं जानती। बाकी का सच भी अगर आपके सामने आ गया तो मैं जानता हूँ आप सह नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं होगा आपसे बाकी का आधा सच। अच्छा चलें, बहुत हो गया, उठे चले आए, अपने कमरे में चले। मैं सलवा को भेजता हूँ आपके पास। कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की भी। अम्मा, तुम नहीं मानोगी, ये खेल तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा आयान। अब बेवक्त है, बाज आ जाओ, मत खेलो इस आग से, ये तुम्हें जलाकर राख कर देगी। अलमीर, अलमीर, आप कौन है? अरे, मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? कौन हो तुम और अलमीर को कैसे जानती हो? बेगम, तुमको क्या हो गया है? बता देगी बेचारी, तुमने तो डरा ही दिया उसको। आराम से बैठने तो दो। आओ बेटा, आओ अंदर आओ, आओ। मेरा नाम अयान है, मैं अलमीर की क्लासमेट हूँ। अलमीर और मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। देखा बेगम, तुमने खामखा बच्ची को डरा दिया था। बेटा, वो अलमीर सो रहा है, आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गया। अगर कोई जरूरी काम है तो उसे उठा देते। नहीं नहीं अंकल, इट्स ओके, सॉरी। वो मैं बेटा, इसमें सॉरी की क्या बात है? वैसे मैं अलमीर का फादर हूँ और ये अलमीर की मदर है। हम लोग कल ही अमेरिका से आए। अच्छा, वो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं तो अलमीर से मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आई एम सो सॉरी आंटी। अरे बेटा, इसमें सॉरी की कौन सी बात है?
और वैसे भी जो कुछ भी हुआ है वो लाइनी में हुआ है। आंटी मैं तो लेट हो रही हूँ, मैं अब चलती हूँ, आप अलमीर को बता दीजिएगा। चाय तो पी कर जाओ। नहीं आंटी मुझे बस, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके बेटा, तुम भी ना कमाल करती हो। क्या सोच रही हो? सलवा और वहाज के बारे में सोच रही हूँ। उनको सोचने के लिए अम्मी कम थी जो तुमने भी उनका काम संभाल लिया? उन्हीं की वजह से सोच रही हूँ। क्या मतलब? हम भी उन दोनों की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। उन्हें लगता है कि सलवा और वहाज के बीच में कोई ना कोई बात जरूर। ऐसा कुछ नहीं, अम्मी वैसे ही सलवा के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान। ठीक ठाक तो है सलवा, क्या हुआ है उसे? आप समझ नहीं पा रहे हैं शर्दी। समझ तो मैं भी नहीं पा रही, लेकिन कोई ना कोई बात तो जरूर है इन दोनों के बीच। ये तुम्हारा वहम है बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वहम घर में किसी एक बंदे को हो सकता है ना, घर के हर फर्द को तो वहम नहीं हो सकता। एक तो तुम खवातीन भी ना भाई, होगा उसके घर में कोई मसला? तुम्हें कहा है कुछ उसने? यही तो मसला है कि वो किसी को कुछ बताती नहीं। ये तो अच्छी बात है, खबर का ना होना भी अच्छी खबर होता है। तुम बस अपना ख्याल रखो। चाहे कितनी प्यारी बच्ची थी ना, अलमीर के साथ बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए तुम्हें अच्छी लगी? हाथ दे वैसे तो ठीक है ना, अलमीर की अच्छी दोस्त है वो, अच्छी तरह से जानती है उसे। अलमीर उसके साथ शादी करके बहुत खुश रहेगा। अब मैं और अपने बेटे को अकेले जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी। देखो वो तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दबाजी में तुम सारे काम बिगाड़ देती हो। तुम सिर्फ अलमीर पे ध्यान दो, देखो कि वो क्या चाहता है। वो जो चाहता था ना देख लिया मैंने, अब वो होगा जो मैं चाहती हूँ। बस मुझे अलमीर के लिए लड़की बिल्कुल सही लगी है, और यही लड़की अलमीर को जिंदगी की तरफ वापस ला सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे अलमीर, ये लो मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से पराठे बनाए। थैंक यू। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गए? नहीं आज नहीं जाऊंगा। अयान आई थी। अयान घर आई थी? क्या कह रही थी? तुमसे मिलने आई थी, तुम सो रहे थे तो हमसे मिलकर चली गई। कुछ और तो नहीं कहा उसने? नहीं जल्दी में थी, बस ये बता रही थी कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम सोचो मैं पड़ गए बेटा, नाश्ता शुरू करो। जी बस ले रहा हूँ। सलवा बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी अम्मी। तुम अलमीर को जानती हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे सच नहीं छुपाओगी। लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। बता दो तो मुझे बहुत कुछ सकती हो। ये और बात है कि मुझे बताना नहीं चाह रहे। आप मेरा यकीन कर लेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना
मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और अपना हर रिश्ता नहायत ईमानदारी से निभाती हो। हमारे घर में जब से आई हो मैंने तुम्हें कोई खोट नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात पे आंख बंद करके यकीन करूंगी। बताओ मुझे। सच बात कड़वा है अम्मी, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त तो मैं वैसे भी बहुत कर चुकी हूँ, ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। बताओ मुझे। अलमीर और मेरा निकाह हुआ था। जानती हूँ, मैं तुम्हारी नहीं अलमीर और अयान की दोस्ती के बारे में जानना चाहती हूँ। अयान दोस्त थी हमारी। थी? मतलब ये दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई है? कुछ ऐसे ही समझ ले। अब तुम्हारी बात मेरी समझ से बहुत दूर है। तुम, अलमीर और अयान तीनों एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोस्त थे, तो फिर? अलमीर और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और शायद अयान अलमीर को। अयान इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ क्यों आई थी? क्या वो नहीं जानती अब मुझे सब कुछ पता चल गया है? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उसका भाई वहाज, वो इंस्पेक्टर मेरे पीछे क्यों पड़ा था? और सलवा, सलवा उसकी बीवी कैसे बनी? आप इससे हर रिश्ता खत्म करते, तलाक दे दे इसे! नहीं दे सकता हूं मैं इसे तलाक। सलवा बीवी है मेरी, शादी की है मैंने उससे। सलवा को ये सब सवाल अभी तक अधूरे हैं। इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ अयान के पास है या फिर सलवा के पास। मुझे कौन देगा इन सवालों का जवाब? अयान, मुझे नफरत है तुमसे, शदीद नफरत। हाँ बेटा, हम सब यहाँ से खैरियत से हैं। तुम लोग अपना ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। इतना सन्नाटा है ना घर में। हाँ लिया। देखो अलमीर पहले भी अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहता था, उसमें ब्याह कर चली गई, फवादी घर में रौनक लगाता था, सन्नाटा तो होना था। सही कह रहे हैं आप, लेकिन फवाद जिन हालात में यहाँ था अच्छा ही हुआ चला गया। मैं दोबारा कभी उसे यहाँ नहीं आने दूंगी। हाँ ये तो है, लेकिन ये घर काटने को दौड़ रहा है मुझे। अलमीर भी कितना अकेला पड़ गया है, इस तरह तो बुरी तरह टूट जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। देखो पहले उससे डिस्कस करना, उसका माइंड बनाना। इस तरह अचानक अपनी ख्वाहिश का इजहार मत करना, हो सकता है कि वो राजी ना हो। इस सारे मामले को बड़े अच्छे तरीके से डील करना होगा। उसको एतमाद में लेकर अगर कोई बात करोगी ना तो वो मान जाएगा। मैं तो कहता हूँ अभी से रिश्ता देखना शुरू कर दो। वो तुम्हारी दोस्त थी ना, क्या नाम है उसका, मिसेज शेख, उससे बात करो ना। छोड़े मिसेज शेख को, मैं तो अलमीर के लिए अयान जैसी लड़की चाहती हूँ। लेकिन अयान का आता पता सिर्फ अलमीर को ही मालूम है और वो हमें बताएगा नहीं। आलिया, हथेली पर सरसों मत जमाओ, उसे थोड़ा वक्त दो, फिर बात कर लेंगे। उससे सब्र नहीं हो रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अलमीर अपनी नई जिंदगी का सफर शुरू कर दे।
आपसे कहा भी था कि ज्यादा टेंशन ना लें। हो गया ना आपका बीपी शूट। तुम लोग जाओ यहाँ से। मामा प्लीज। जा रहे हो या नहीं? सलवा बेटा तुम रुको। अम्मा का ख्याल रखना। मैंने आपसे कहा था ना, पूरा सच आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं सह पाएंगी आप। हमें फहाज और अयान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी मोहब्बत पे शक ना करें। इन दोनों ने मुझे आज इस हाल में पहुंचा दिया, तुम अब भी उनकी हिमायत कर रही हो? लेकिन आप माँ हैं उनकी, और औलाद के लिए तो माँ से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपके इस रवैये से उन्हें तकलीफ पहुंच रही है। सलवा बेटा तुम इतनी अच्छी क्यों हो? तुम्हारे साथ इस घर में क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, गलत है या सही, लेकिन फिर भी तुमने मेरे दिल में वो जगह बना ली है जो शायद कोई कभी नहीं बना सकता। जीती रहो, आप आराम करें। मेरी बात सुन लो प्लीज। तुम क्यों आई हो यहाँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। अमीर प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज ना प्लीज। तुमसे मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और इस तरह तमाशा ना बनाओ तुम, जाओ यहाँ से। अमीर सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। अमीर अमीर एक बार मेरी बात सुन लो यार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अमीर ये क्या मामला है? अलमीर आज इतने गुस्से में क्यों है? अनुशे मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, जरा सलवा के पास जा रहे हैं। तो फिर अकेले मत जाएं, हमना को साथ लेकर जाएं। अरे हमना जी, तुम ऐसा करो अम्मी के साथ चली जाओ, वो सलवा के घर जा रही है। मैं चेंज कर लेती हूँ। अरे बिल्कुल ठीक लग रही हो, मैं अम्मी को ना अकेले नहीं भेजना चाह रही, पता नहीं वहाँ पर क्या बात हो, तुम होगी ना तो मुझे तसल्ली होगी। जी खाला चल बेटे आ जाओ मेरे साथ। बहुत शुक्रिया आपका, मेरी तबीयत पूछने आई। तो मैं काफी बेहतर हूँ, बस थोड़ा सा बीपी शूट कर गया था। तुम क्यों इतनी चुप चुप हो? तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आंटी की खराब है, तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ बेटे, तबीयत तो ठीक है? हाँ अरे बहाज बेटा घर पे हो आप? मैं तो घर पर हूँ, लेकिन आप रोज क्यों यहाँ हमारे घर पर आ जाती हैं? नहीं मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा काम है जो आपको अपनी बेटी से और वो हो ही नहीं पा रहा है? फहाज क्या हो रहा है, तमीज से बात करो। सफिया बहन बैठे हैं आप, फहाज माफी मांगो। अम्मी अम्मी आप घर चले, मैं खुद मिलने आऊंगी आपसे। कोई जरूरत नहीं है, मुझसे इजाजत ली है तुमने?
और वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये मुझे कितना पसंद करती है। यही है ना जो तुम्हें मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ाती हैं? फहाज, होश में हो तुम? ये किस तरह बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ। आप अभी इसी वक्त मना कर दीजिए इन्हें, मना कर दीजिए ये रोज रोज मेरे घर मुंह उठाकर मत आ जाया करें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? सलवा की माँ बेटी दी उन्होंने इस घर में, आ सकती हैं उसकी खैरियत मालूम करने। हाँ तो बेटी की खैरियत पूछने आया करें ना, ऐसे रोज रोज यहाँ आने का तो कोई फायदा नहीं है। इनको तो चाहिए अपनी बेटी को सेटल होने दें यहाँ पर। ठीक है इनका घर हमारे घर के सामने है, लेकिन हमारी भी कोई प्राइवेसी है। इस तरह तो कभी भी सलवा का यहाँ दिल ही नहीं लगेगा। और बहुत अच्छा किया है मैंने, बहुत अच्छा किया है, इनको ये बातें सुना दी हैं, आइंदा एहतियात करेंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। फहाज क्या किया है तुमने? बेटा मैं तुम्हें देख रही थी, अलमीर तुमसे किसी बात पर गुस्से का इजहार कर रहा था, तुम कुछ कहना चाह रही थी। अगर मुनासिब समझो तो मुझे बता दो आखिर बात क्या है। आंटी मुझे पूरा यकीन है मैं अलमीर को जल्दी राजी कर लूंगी। बात तो बहुत मामूली सी है पर आजकल अलमीर की यही हालत है, छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाता है। वो पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, तुम तो जानती ही हो कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद से इस तरह से रिएक्ट करने लगा है वो। सलवा अलमीर के काबिल ही नहीं थी, गलत जगह दिल लगा लिया था अलमीर ने। मैंने अलमीर को कई बार समझाया पर सलवा ने तो जैसे उस पर कुछ जादू कर रखा। सलवा के सामने अलमीर को कुछ समझ ही नहीं आता था, इसे जैसे दिलो दिमाग पर उसने कब्जा कर रखा। बहुत मासूम है मेरा बेटा, ये तो अच्छा है कि तुम सलवा और अलमीर के बारे में सब जानती हो। अब तो सब कुछ खत्म हो गया बेटा, लेकिन फिर भी अलमीर जिंदगी की तरफ वापस नहीं आ रहा। बहुत मायूस हो गया है, उसने तो जैसे हार मान ली है। बहुत चलाक थी सलवा, दोस्ती की आड़ में उसने ऐसा खेल खेला कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा ही हुआ जो उसकी शादी हो गई। अलमीर बहुत जल्द जिंदगी की तरफ लौट आएगा इंशाल्लाह। मैं अभी जाकर बात करता हूँ। भाई प्लीज, अभी आप गुस्से में हैं, बात मजीद खराब हो जाएगी। आज उसकी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू आए हैं, ना जाने मेरी बहन के साथ क्या करता होगा वो। रिलैक्स शेरदिल, ये वक्त अभी इन बातों का नहीं है। मुझे तो शुरू ही से वहाज के तेवर अलग ही नजर आते थे। कितनी बार तुम लोगों को बताने की कोशिश की पर हर किसी ने मेरी बात को टाल दिया। ऐसे ही नहीं घबराता था मेरा दिल। मेरी बच्ची, पता नहीं मेरी बच्ची पर क्या गुजरती होगी, कैसे गुजारा करती होगी उसके साथ। सलवा की खामोशी उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। नहीं तो क्या करती वो? यहां बताती भी तो क्या फर्क पड़ जाना था। वहां पर हम उसे सिवाय तसल्ली देने को और कर भी क्या सकते थे? बहन है वो मेरी, कैसे छोड़ सकता हूं उसे मैं? भाई अभी आप भी गुस्से में और वहाज भाई भी, पता नहीं क्या बात है, सलवा भी खामोश थी। हो सकता है वक्त ही गुस्सा हो, उतर जाए तो उन्हें एहसास होगा अपनी गलती का। कि अम्मी भी बहुत शर्मिंदा थी, हमसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बस अम्मी, अब आप उस वक्त तक वहाज के घर नहीं जाएंगी जब तक आपसे माफी ना मांग ले।
देख लिया तुमने, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सब चाहने वालों को तुमसे दूर कर दूंगा मैं। इतना दूर कोई चाहकर भी तुम्हारे पास ना आ सके। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। अलमीर बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। अयान कैसी लड़की है? आप अयान को कैसे जानती हैं? अलमीर, एक आध बारी तो मुलाकात हुई है आपकी उससे? वो आई थी। अयान यहाँ आई थी? मैंने उसे मना भी किया था कि घर पे नहीं आना है, फिर क्यों आई वो? क्या हो गया अलमीर, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो भी कह रही थी कि तुम छोटी-छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हो। और क्या बताया उसने आपको? कुछ नहीं बोला उसने, बस यही बता रही थी कि तुम और वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो, बस। मम्मा, आप उसे इस बार सख्ती से मना कर देंगे ये आने के लिए? हमारी दोस्ती सिर्फ यूनिवर्सिटी तक है, घर तक के लिए नहीं। मुझे यकीन है कि मैंने मिसेस वाज को पहले भी कहीं देखा है। इनका बायोडेटा क्या है? ये वही लड़की है। ओह, ये तो इफ्तिखार मर्डर केस की विक्टिम है, सलवा इफ्तिखार, इफ्तिखार अहमद की बेटी और अलमीर की बीवी, बल्कि सबका बीवी। ये वहाज की बीवी कैसे हो सकती है? तो अलमीर की बीवी से शादी की है तुमने, एएसपी वहाज? ये तो बिल्कुल तुम्हारे घर के सामने रहती है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम आज तक अलमीर के पीछे पड़े हो, कहीं इस लड़की से इश्क तो नहीं हो गया था एएसपी वाज? कुछ तो मिसिंग है, बल्कि बहुत कुछ मिसिंग है। मुझे अब खोज लगाना ही होगा। ये केस बजाहिर जितना सीधा नजर आ रहा है उतना है नहीं। एएसपी वाज, सलवा इफ्तिखार और अलमीर मुराद, तीन कड़ियां आपस में मिल रही हैं, लेकिन और भी कुछ है और मैं वो पता लगा कर ही रहूंगा। अब तुम बच नहीं सकते एएसपी वहाज। तो तुम्हारे फादर आए हुए हैं अलमीर? मैं चाहता हूं कि एक बार तुम्हारे फादर से भी मुलाकात हो जाए। वो एक्चुअली बहुत कम टाइम के लिए आए हैं, तो मेरा ख्याल है एक बार जो बात खत्म हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि वो बात दोबारा उन्हें परेशान करे। खत्म हो गई? तुम्हें किसने कहा कि खत्म हो गई है? क्या मतलब? इफ्तिखार मर्डर केस की तहकीकात अभी तक तो खत्म नहीं हुई। मैंने खुद एएसपी वहाज को रिपोर्ट भिजवाई है। क्या बात कर रहे हैं आप? दोनों फैमिलीज के दरमियान कॉम्प्रोमाइज हो गया था। उन्होंने मेरे भाई को माफ इसीलिए किया था क्योंकि मैंने उनकी बेटी को तलाक दे दी थी।
Wow. I'm really sorry. तुमने बात ही इतनी अजीब सी की है कि मुझे हंसी आ गई. कोर्ट, कानून, पुलिस सबको अंधा समझा हुआ है क्या? एक जीता जागता बंदा मौत के घाट उतार कर दोनों पार्टीज आपस में कैसे डिसाइड कर सकती है ये मामला? कानून कहीं ना कहीं तो मौजूद है. अब इतना भी अंधा नहीं है कानून. मैं आपकी बात नहीं समझा. आप क्या कहना चाह रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन अभी तक खत्म नहीं हुई है. मैंने ही रिपोर्ट तैयार की थी. तुम्हारे भाई की गन से जो गोली चली थी उससे कत्ल हुआ इसका कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए उसे रिहा किया गया था. वो बेकसूर था.